अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हर्बलिस्ट मोहम्मद अली। आज मैं आपको बहुत आसान, मुफीद और दिलचस्प हर्बल टिप बताऊंगा, क्योंकि ये हर्बल टिप एक साथ कई अमराज पर काम करता है। जो लोग चाहते हैं कि उनके फेस का कम्प्लेक्शन फेयर हो, गोरा हो, और इसके साथ साथ जो लोग चाहते हैं कि वो अपनी बॉडी का वज़न बढ़ा सकें, बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसे पेशेंट्स हैं जिनके जिस्म पर जो गोश्त है वो बहुत कम होता है, आँखें अंदर दसी हुई होती हैं, पिचके गाल होते हैं, और वो इस चीज़ की ख्वाहिश करते हैं कि वो अपने जिस्म को खूबसूरत और अट्रैक्टिव देखें। तो उनके लिए ये नुस्खा बहुत मुफीद है। इसके साथ साथ जिनको बैक प्रॉब्लम है, यानी बैक में पेन है, जॉइंट प्रॉब्लम है, या किसी भी किस्म का जिस्म में दर्द है, सर में दर्द महसूस होता है, तो उनके लिए भी ये नुस्खा बहुत मुफीद और कारामद है। और ये बहुत सिंपल है। आपने करना यूँ है कि आपने बदहारी कंध, ये एक हर्ब है, ये आपको आम पंसार स्टोर से मिल जाएगी, बदहारी कंध। इसके साथ साथ आपने मगज़ बनोला, इसके साथ आपने मगज़ बादाम, अंजीर, असगंध नागोरी और गुलाब की पत्तियाँ, ये सारी चीज़ें आपने हम वज़न लेनी है। मैं आपको फिर बता देता हूँ, बदहारी कंध, मगज़ बनोला, मगज़ अखरोट, असगंध नागोरी, अंजीर और गुलाब की पत्तियाँ, ये सब चीज़ें आपने हम वज़न लेनी है। इसको आपने पीस कर अच्छी तरह इसका सफ़ूफ़ बना लेना है, यानी कि पाउडर बना लेना है, और इस पाउडर को आपने सुबह नाश्ते के बाद आधा चम्मच और शाम खाने के बाद आधा चम्मच एक गिलास दूध में, उसमें शहद मिक्स करके, उसको नीम गर्म दूध हो उसके साथ इसने आपने इसका एक चम्मच सुबह और एक चम्मच शाम खाने के बाद और सुबह नाश्ते के बाद आपने लेना है। और जो बच्चे हैं, आप बच्चों को भी ये दे सकते हैं, उनके लिए भी बहुत मुफीद है। उनके लिए हाफ़ टी स्पून आपने करना है सुबह और हाफ़ टी स्पून शाम को। इससे इंशाल्लाह ताला आपकी जॉइंट पेन में मुकम्मल इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। इसके साथ साथ आपका फेस का जो कम्प्लेक्शन है वो भी इंशाल्लाह क्लियर होगा, शाइन करेगा, और इसके साथ साथ आपको जो जॉइंट पेन है इंशाल्लाह वो भी ठीक होगा। मेरे इस मैसेज को आप लोगों तक कन्वे करें जो इन अमराज का शिकार हैं, उनके साथ शेयर करें, इंशाल्लाह ताला बहुत फ़ायदा होगा।